अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 4024, वेलकम टू मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ने असेसमेंट टॉक्स वाली वीडियो देख ली होगी। ग्रेड 9 का इंशाल्लाह मैथ्स का असेसमेंट जो है वो वेंसडे को है, तो असेसमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास वो मैंने एक वीडियो के थ्रू आप तक जो है वो शेयर कर दी है। डू वॉच दैट वीडियो, असेसमेंट टॉक्स के नाम से वो वीडियो है। उसमें जो है वो मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको गाइड किया उसके बारे में, कितने टॉपिक्स हैं और कौन कौन से टॉपिक की वेटेजेस क्या हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना उस वीडियो में डिस्कस की हैं। तो वो वीडियो को देख लेना लाजमी, उससे जो है वो थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिल जाएगी। प्लस ये कि उस वीडियो में मैंने एक चीज़ शेयर की थी, मैंने आपसे कहा था कि एक्सरसाइज 6C में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर आपको लाजमी फोकस करना है। उसमें मैंने आपको बोला था कि आपके पास इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें इक्वेशन ऑफ लाइन आपको जो है वो दी गई भी होगी और बोला जाएगा कि ये लाइन जो है ना ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपकी लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है वो पॉइंट आपको फाइंड करना है। तो उस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो किस तरह सॉल्व करना है उसकी एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल मेरे पास है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इनशाला। लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो बाय रीडिंग आउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 5 कट्स वाई एक्सिस। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो हमारे पास है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 5, ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसको हम इक्वेशन ऑफ लाइन कह रहे हैं। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और ये किसको कट कर रही है, ये वाई एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन जो था वो यहाँ एक्स एक्सिस भी आ सकता था, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो आपको वाई एक्सिस वाला ही देगा। तो वो ये भी बोल सकता था कि भाई आपको इक्वेशन देके बोलेगा कि भाई एक्स एक्सिस को कट करिए तो वो कोऑर्डिनेट्स निकालो, या फिर वो आपको इक्वेशन देके ऐसे भी कह सकता है कि वो वाई एक्सिस को कट करिए। तो आपको बस याद रखना है कि जब कोई लाइन वाई एक्सिस को कट करती है तो जिस पॉइंट पे वो कट करती है ना वहाँ एक्स इज इक्वल्स टू 0 होता है, वहाँ एक्स की वैल्यू 0 होती है। बस तुम्हें ये चीज़ जो है ना वो अपने जहन में रखनी है। इसी तरह अगर वो कहता कि द लाइन कट्स एक्स एक्सिस, तो फिर आप वाई को 0 कर देते क्योंकि भाई वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, या इस केस में वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब है वो वाई से गुजर रहा है। तो जब वो वाई से गुजरेगा तो जो पॉइंट है वाई एक्सिस वाला वहाँ एक्स की वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी, क्योंकि आपको पता है पूरे वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू 0 होती है, पूरे एक्स एक्सिस में वाई की वैल्यू 0 होती है, ये चीज़ आपको पता है। एक्स एक्सिस पे मैं कोई भी पॉइंट लूंगा वहाँ वाई की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, वाई एक्सिस पे मैं कोई भी पॉइंट लूंगा वहाँ हमेशा एक्स की वैल्यू 0 आएगी। तो बस यही इसका कॉन्सेप्ट है कि उसने यहाँ में बोला है कि भाई ये इक्वेशन है और ये वाई एक्सिस को कट करिए, तो आपको सिर्फ इस इक्वेशन में एक्स की जगह पे 0 पुट कर देना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई। कैसे, आपके पास इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 5, आपने देखा कि यार वो वाई एक्सिस को कट कर रही है, इसका मतलब है कि वो वाई एक्सिस से गुजर रही है, तो उस पॉइंट पे तो एक्स 0 होगा, तो आपने यहाँ एक्स की जगह पे वो 0 रख दिया। तो यहाँ भी मैंने यही लिख दिया पुट एक्स इक्वल्स टू 0, तो 0 माइनस एज इट इज वाई एज इट इज इक्वल्स टू 5। अब ये माइनस वाई है तो माइनस को शिफ्ट कर दो दूसरी साइड पे, तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5 आ जाएगा। तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5 है, आपको पता है एक्स की वैल्यू तो है ही 0, तो इसका मतलब है कि आपका पॉइंट फिर आप कैसे लिखोगे, आप एक्स की जगह पे 0 लिखोगे, और चूंकि आपकी वाई की वैल्यू माइनस 5 आ रही है तो आपने वाई की जगह पे माइनस 5 लिख दिया। तो ये वो पॉइंट है जहां आपकी लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है।